कि सभी एयरपोर्टों पे गौमूत्र रखा जाए, अच्छा, आने वालों को सेवन कराया जाए गौमूत्र से, गाय के गोबर से, क्योंकि हमारे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का आस है। किसी भी गाय का मूत्र पी सकते नहीं थी, हमारे जो देसी गाय हैं, देसी गाय का अगर गौमूत्र मिले उसमें जो बछिया होती है अगर उसके गौमूत्र मिल जाए तो बहुत ही लाभकारी है। ये अभी आपने शाहीन बाग देखा, हिंदू थे वहाँ, जहाँ पर थे हिंदू थे, हिंदू थे शाहीन बाग में, हिंदू थे वो दोगले हिंदू थे, सही हिंदू ने चलो आप सीए को सही मानते हैं, सीए को आप सही मानते हैं, सीए में गलत क्या बताइए, एक मिनट प्लीज, हम कोई नेता है, आप उनके बनाए हुए कानूनों का तो समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप देखो उनके समर्थन है, उनको देखो आप भले हमसे पूछ रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं समर्थन आप भी समर्थन है, आप भी हो किस चीज के, यही एनआरसी हो, दूसरा क्या बता भी आप बताइए ना, अरे हमको नहीं आता भाई, कौन से कानून है वो तो बता दीजिए ना, है? कौन से कानून लाई है सरकार वो तो बता दीजिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि कौन से कानून सरकार, अरे आप सीएए और एनपीआर की फुल फॉर्म बता दीजिए। देखो भाई मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप कुछ भी समझ लो हमको नहीं आता, मुद्दा उठाए हो, देखिए कोरोना वायरस जो है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोरोना वायरस जो है कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आपने देखा चाइना में कितना अत्याचार हुआ, हर सभी जीव को मार के खा रहे हैं, तो मान लीजिए अत्याचार होगा पाप बढ़ेगा तो क्या होगा, इस धरती के प्रकृति को हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, तो कोरोना वायरस जैसी तमाम तरह की बीमारियां फैली, इसके पहले जो फैलाए गए या तमाम तरह की बीमारियाँ आई आपने देखा होगा, और अब जो है कोरोना वायरस आया है, इससे हम सभी भारतवासियों से अपील करते हैं, डरने की बात नहीं है, कोई हुआ नहीं है, इलाज गौमूत्र है, इलाज, हाँ इलाज का गौमूत्र है, अभी हमने देखा 14 तारीख को अपने हिंदू महासभा में जो है हमारे सभी जो है भारत देशवासी आए, और हम यहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि सभी एयरपोर्टों पर गौमूत्र रखा जाए, अच्छा, आने वालों को सेवन कराया जाए गौमूत्र से, गाय के गोबर से, क्योंकि हमारे गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का आस है, तो तमाम तरह की बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। मतलब ये हॉस्पिटल जो ये चल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो खामोखा ही इनको बताया नहीं, जा सकता नहीं ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा सकता, अगर गौमूत्र नहीं, नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, देखो हम अगर मान लीजिए हम दोनों इलाज करते रहे, हम दोनों इलाज करते रहे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मतलब जो है इलाज ना करवाएं, डॉक्टर से दवाई ना लें, उनकी सलाह ना लें, मैं जानता हूँ रोग तो दवा से ही जाएगा लेकिन अपनी मर्जी के नहीं। अच्छा कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का इलाज चलिए गौमूत्र है जी, लेकिन जो ये धार्मिक जहर जो है जो लोगों के जहनों में भरे जा रहे हैं इसका इलाज जो है कौन से मूत्र से हो? देखो ऐसा जो धार्मिक जहर भरे जा रहे हैं इसको तो हम सभी भारतवासी मिल करके, हम भाई सभी भाई बहन मिल करके जो है भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की आराधना करें, भगवान की पूजा पाठ करें, और यहाँ सबसे बड़ी हमारा भारत देश है, ये आस्था श्रद्धा और विश्वास का देश है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रखूँ और विश्वास हम फलदायकम। कपिल मिश्रा ने जो है लगभग जो है 54 के करीब जो है लोगों की जो है इसमें जान चली गई उसके बयान की वजह से, सरकार ने उस पर FIR तक नहीं की। देखो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इस नहीं कहना चाहूँगा कि अभी देख लिया गंगा के विषय में जो हमारा यहाँ डिबेट हो रहा है, गंगा के विषय हमारा सभी को संदेश जा रहा था कि गंगा की सफाई होनी चाहिए, इसका बीड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उठाया, और देखो दिन प्रति जो है गंदगी फैलती जा रही है, और हमारे तमाम संत जो है अपनी जान देते जा रहे हैं, अभी हरिद्वार में मां सदन में देखा होगा कि महाराज जी जो है अंथन कर रहे हैं, और ये अंथन कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, तत्काल कोई जो है प्रभावशाली व्यक्ति को उनके पास भेजें और उनकी मांगों को पूरा करें और उनका अंथन तोड़वाएं, नहीं तो 2-4 दिन में उनकी जान ले ली। कैलाश विजय प्रधानमंत्री है कि हमारे यहाँ 1.25 करोड़ देवी देवता है, हमारे यहाँ कोरोना वायरस का असर नहीं होगा, तो क्या इलाज नहीं करवाना चाहिए? नहीं इलाज करवाना चाहिए, देवी देवताओं का भी संग, देखा आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हलमत बरबीड़ा, तो हनुमान जी का ध्यान करें, देवी देवताओं का भी ध्यान करें और दवा का भी हम प्रयोग करें। कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? देखो मैं नहीं कह सकता गलत कह रहे हैं, आप सब लोग हमारे भारत देशवासी हैं, हमारा भारत श्रद्धावान है, विश्वासवान है। तो स्वामी जी क्या किसी भी गाय का मूत्र पी सकते हैं? नहीं थी, हमारे जो देसी गाय हैं, देसी गाय का अगर गौमूत्र मिले उसमें जो बछिया होती है अगर उसके गौमूत्र मिल जाए तो बहुत ही लाभकारी है। लेकिन कुछ स्वामी कह रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट गाय है उसको और ज्यादा? नहीं जी ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में वेदों में लिखा मैं उसको बता रहा हूँ। टाइम क्या मैं मनगणन कहानी नहीं बताना चाहता, इसका भी कोई टाइमिंग? बाबा रामदेव ने भी अपना गौमूत्र जो है जारी किया है वो अपने जो उनके स्वास्थ्य केंद्र है जो वो देखो बाबा रामदेव का गौमूत्र जो बिजनेस वाला गौमूत्र है आपने देखा होगा वो पैसों पे बिकता है, पैसों पे मिलता है, देखो लाभ उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना हम देसी गाय के बच्चिया को या देसी गाय के गौमूत्र को सेवन करेंगे। क्या है इसकी टाइमिंग? टाइम इसको सुबह ले सकते हैं, दोपहर को ले सकते हैं, किसी भी समय ले सकते हैं। इसमें एक मौजूदा हालात को लेके एक सवाल ये है जी,
स्वामी जी आप भी एक स्वामी हैं जी, और स्वामी जी थे जिन्हें जंतर मंतर पर मेरी मुलाकात हुई, उनसे जब मैंने कुछ सवाल किए तो उन्होंने कहा कि देश में कभी भी हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इनका प्रेम नहीं बढ़ सकता, आप क्या कहेंगे? देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप शुरू से देखो कि हमारे जो अभी अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे वो भी मुसलमान थे, तो थे, हम लोगों को भाईचारा बना के रहना चाहिए। और दूसरी बात है, जो बाहर के मुसलमान हैं जो आतंकवादी हैं या आतंकवादियों से संबंध रखते हैं, वो जो इधर का उधर आतंक फैला सकते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे, अभी देखो हमारे जो अयोध्या राम जन्मभूमि का फैसला आया तो काफ़ी मुसलमान आतंकवादी हैं आपने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और भी हो सकते हैं, क्लियर है कि देखो और भी हमारे तमाम हैं, उनके लिए केवल मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नहीं मुसलमानों के लिए उसके, देखो हमारे, देखो मुसलमानों के साथ साथ उसमें जो है और भी अन्य जातियां भी हैं, थोड़ी है जातियों को, जिस तरीके से आपने मुसलमान धर्म का जो है नाम लिया तो उस तरह से आप दूसरों का भी तो नाम, देखो मुसलमान धर्म, डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादी नहीं है सर? नहीं बिल्कुल नहीं है। क्यों आतंकवादी नहीं है सर? उस पर आतंकवाद का मुकदमा लगा, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा है आप कह रहे हो, लगा हुआ मानता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता, हमारे मीडिया भाई मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कभी कभी गलत आरोप भी लग सकते हैं, मुसलमान जेलों में जाते हैं 20-20 साल बाद भी, और बाइज्जत बरी होकर आते हैं, क्या वो जो है आप उसको गलत नहीं मानते? जो है बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि देखो, लेकिन सुना होगा अभी अपना, हाँ मेरा एक ही सवाल जी है, जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने सीधा नाम आतंकवाद को लेकर जो लिया तो वो मुसलमानों का लिया जी, उसके बाद आपने कहा जो मुसलमान बाहर से आते हैं या जिनके कनेक्शन आतंकवाद से, अगर हम इसमें दिल्ली दंगों को देखें तो दिल्ली दंगों में मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमानों ने भी मारा और हिंदुओं ने भी मारा, तो दोनों आतंकी हैं कि नहीं? देखो भैया मुसलमानों ने, अभी आपने शाहीन बाग देखा, हिंदू थे वहाँ सर? जहाँ वहाँ पर थे हिंदू, थे हिंदू थे, शाहीन बाग में हिंदू थे, वो दोगले हिंदू थे, सही हिंदू ने, चलो आप सीए को सही मानते हैं? सीए को आप सही मानते हैं? सीए में गलत क्या है बताइए, एक मिनट प्लीज, क्या गलत है आप बताइए, सही क्या है? सही बताइए ना, बताइए, अगर हम, हमारे पास पासपोर्ट है, सुनो हमारे पास पासपोर्ट है तभी तो हम बाहर जा पाएंगे, हमारे पास हमको दिखाने में क्या दिक्कत है? लेकिन वो पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है सरकार, नहीं, जो है हम रही है, हम ये नहीं कह रहा हूँ, हम भारत के हिंदुस्तान के नागरिक हैं, तो हमारे बाप दादा हमारे पुरखे अगर यहाँ के हैं, हम बाहर के नहीं आए हैं, तो हमको डर किस बात की? हम आतंकवादी नहीं है, डर किस बात की? आपके सामने आप पत्रकार भाई, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप देख नहीं रहे, उनका नाम नहीं आ रहा है, इतना आतंकवाद, इतना दिल्ली में दंगा फैल गया, किसने फैलाया? आपने, हिंदुओं ने फैलाया? जी कानून, ये कानून है जी, इसको लेकर विरोध हो रहा है, जो क्या है इसका फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? देखो एक मिनट, ये आप कैमरा चला रहे हैं ना, कितने दिन चला रहे हैं? 5 साल से अभी मालूम नहीं हुआ चला रहे हैं। नहीं, हम आपसे नहीं, हमको नहीं मालूम, हमको नहीं आता, और बोलो हम नहीं, हमको नहीं, नहीं ये नहीं भी नहीं जानता हूँ सर। एनआरसी कराने में 65,000 रुपए खर्च आएगा। पहले कोई एक बहुत बढ़िया पूछ रहा बताऊंगा मैं, पहले कोई सवाल पूछने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे सभी पत्रकार भाई मौजूद हैं, मैं प्रार्थना के साथ, जहर खाने से क्या होता है? आदमी मरता है। कभी खाए हो? हाँ। चीनी कैसे लगती है? हाँ, खाने, लेकिन खाने के बाद बच भी जाता है। हाँ तो बचता है, कोई ना कोई खाया है। बताओ कौन है इसमें पत्रकार? चीनी खाने, चीनी कैसे लगती है? सर हमारे साथ में आसिफ रहमान नाम का ही पत्रकार है, एक बार खा के बच गया। रहमान भाई बच गया, लेकिन आपने, इन्होंने कहा कि नहीं, आप मुद्दे पाइए, अभी आपने मुद्दे पाइए सर, हाँ मुद्दे जी बताइए, आप ये बताइए ए और एनपीआर की फुल फॉर्म बता दीजिए। देखो भाई मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, आप कुछ भी समझ लो हमको नहीं आता है, ऐसे समझ लो, कैसे सपोर्ट कैसे आप सही कह सकते हैं? मालूम ही तो मैंने पहले पूछा कि जहर खाने से क्या होता है, अपनी बना मर जाता है, नहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, जब आपको इसका मतलब नहीं पता तो आपको सही है, इसका मतलब हम 3 महीने समझ रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आया, खूब समझ में आ गया, बता नहीं सकता क्यों, आप जानते हो, आप क्यों पूछ रहे हो? एनआरसी कराने में 65,000 करोड़ रूपए खर्चा भाई जिन्हें कह रहे हैं, हमारी भारत सरकार कहाँ से आएगा? ये उनसे पूछिए ना, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे सरकार है, ये उनसे सवाल करिए, ये जो कह रहे हैं कहाँ से लाएंगे? लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि आतंकवादी मुसलमान, हमको इतना पता है कि ये कैमरा लेके आप दिखा रहे हो, इसमें फोटो आएगी, अब फोटो कैसे आएगी, बात मेरी कैसे आएगी, ये नहीं बता सकता आपको, अभी आपने बार बार एनआरसी और दूसरा क्या बताइए आप, एनपीआर और सीए, क्या आपको इनका मालूम नहीं, इनका मतलब नहीं पता, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि आतंकवादी मुसलमान होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या आप कह सकते कि नहीं, हमारे कितने सभी हमारे जो भारत के मुसलमान के सारे के लिए बात नहीं है, कुछ मुसलमान भाई हमारे ऐसे जिनको मैंने कुछ के लिए बोला, सारे नहीं है, जो आतंकवाद फैला रहे हैं और बाहर देशों से कनेक्शन उनका, चलिए नाम ले दीजिए भैया, नाम नहीं जानता मैं, बस हाँ देखते हैं।